पौधा हुआ है और ये देखिएगा, ये अभी एक एक महीने का है। ये बनाना प्लांट पकड़िए साहब। नमस्कार, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि अभी आप जो देख पा रहे होंगे, जैसे ये है, अब ये क्या है कि ये इसको बोलते हैं सन। अब ये क्या है कि इसके भी अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि आपको बात करूं कि अब इसको, जैसे पहली चीज तो ये क्या है कि पौधे को अभी इस समय कौन सा महीना चल रहा है, मई, मई का महीना चल रहा है, और मई और जून में क्या होती है, धूप बहुत तपती है। अब धूप तपती है तो वो क्या रहता है कि जो पौधा रहता है उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर रहती है, तो वो क्या करता है कि धूप से बचाव के लिए ये अपन सन लगाते हैं। और सन एक तो धूप से बचाव करता है, दूसरी चीज क्या रहेगा कि अभी जो सन है इसको क्या किया जाएगा, जैसे अभी एक एक महीने का हुआ है तो अब इसको क्या किया जाएगा, ये आधा आधा ये कटवा के और ये भी डलवा दिया जाएगा। तो ये क्या रहेगा कि पहली चीज तो इससे धूप से बचाव हो गया, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इस पर जो इसका कंपोस्ट होगा तो इसको खाद बन जाएगी, ऑर्गेनिक खाद। और खाद के साथ साथ ये खाद बना, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जैसे जब ये पौधा तीन साढ़े तीन महीने या चार महीने का हो जाएगा तो इसको पूरा काट के और साइड पे मतलब बिछा दिया जाएगा, ताकि इसी का कंपोस्ट होकर जो खाद बनेगी इसी पर लग जाएगी। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जैसे अभी है, अभी एक महीने का हुआ है, इस पे केवल क्या दिया जा रहा है कि जैसे कुछ चीजें बेसिक रहती है जिससे मैं देने की, जैसे अपना ह्यूमिक हो गया, अमीनो हो गया, जैसे फंगीसाइड हो गया, पीजीआर में हो गया अपना, तो ये प्रोडक्ट अपन देते रहते हैं, मतलब हर हर 15 दिन में और 7 दिन में कोई ना कोई स्प्रे जैसे करते रहेंगे। और स्प्रे में जैसे कोई एक टो इंसेक्टिसाइड लेते जाइए। जैसा कि मैं और बता दूं आपको कि इसमें जो सबसे खास चीज है, तो जब पौधा छोटा रहता है तो प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन ना मिल पाना, और उसमें प्रॉब्लम है क्या क्या आती है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं, आ जाइए। अब जैसे ये वाला पौधा देखिए, अब ये पौधा क्या है कि इसमें ये पत्ता सही था, ये पत्ता सही था, ये पत्ता, अभी इसमें क्या है पीलासपन आना चालू हो गया। अब पीलासपन आते हैं तो इनके दो कारण होते हैं कि पहला कारण जो होता है तो क्या होता है कि जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी, दूसरा क्या होता है कि जैसे फंगस की दिक्कत आ जाती है, तो जब फंगस की प्रॉब्लम आती है तब पीलासपन पड़ता है, या प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ना मिल पाना। तो इसमें से जो मेन चीज है कि जैसे अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब कमी आती है तो तब ये पीलासपन पड़ता है, तो यह तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और प्लस में जो फंगीसाइड आता है इनका, जो कि हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, फुहारा भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो पत्ता है ये आपका पान है तो ये एकदम ग्रीन एक इसी पर नहीं। चलिए और आपको दिखाते हैं कि ये सही है। अब ये देखिएगा, ये भी है, ये क्या था कि नीचे ग्रीन थे, अब ये क्या है कि पीला पीले पड़ने स्टार्ट हो गए, तो इसको क्या है कि फंगस और दूसरी चीज न्यूट्रिशन इसको प्रॉपर तरीके से ना मिल पाना, तो इस पे क्या करेंगे हम, इसका ड्रिंचिंग करवाएंगे, इसे ड्रिंचिंग करेंगे, इसके बाद में एक हफ्ते बाद में इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे कर देंगे, और जो ड्रिंचिंग रहेगी वो फंगीसाइड का रहेगा। अब फंगीसाइड में काफी प्रकार आते हैं, उनमें मैन को जिप जिसमें कार्बन डाइजिप ये चीजें रहे, तो इनका क्या करिएगा, आपको ड्रिंचिंग करवा देने का है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करा देने का, तो ये जो पत्तों पे पीलासपन है ये प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाए, एकदम ग्रीनेस पत्ते हो जाएंगे, और ग्रीनेसपन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा क्या रहेगा कि ये भोजन बना पाएगा, ये सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जब पौधा भोजन बनाता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से भोजन बनाए, जितना अच्छा ग्रीनेसपन होगा उतना अच्छा भोजन बनाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,